गर्मियों का मौसम चालू हो गया है दोस्तों, तो इसी गर्मी में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ठंडे ठंडे स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक की रेसिपी। आप जब भी कभी कैफ़े या फिर जूस सेंटर में जाते होंगे तो वहाँ पे जिस टेस्ट का स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक मिलता है उसी सेम टेस्ट वाला मिल्कशेक मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। उसी की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सेम कैफ़े जैसे टेस्ट आती है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 200 ग्राम स्ट्रॉबेरीज। ये मार्केट से एकदम फ्रेश स्ट्रॉबेरी लेके आया हूँ मैं। मार्केट में अभी बहुत बढ़िया मिल रही है स्ट्रॉबेरीज और बहुत सस्ती भी है, तो आप भी जाके लेके आइए यार स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक आज ही बना के पिए। अब बस हमें इसके जो ऊपर के पत्ते हैं और डंठल वो काट के निकाल देने हैं। तो दोस्तों ये मैंने 200 ग्राम स्ट्रॉबेरी ली है, इसमें से लगभग 2 से 3 ग्लास स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बनेगा। आप अपने घर में जितने लोग हैं उस हिसाब से स्ट्रॉबेरीज लें। दोस्तों अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो मैं अभी लगातार ऐसे ही बहुत सारी गर्मियों की स्पेशल रेसिपीज़ डालता रहूँगा, तो उन रेसिपीज़ को बिल्कुल भी ना मिस करें। वो रेसिपीज़ देखने के लिए अगर आपने अभी तक मेरे कुमार्स किचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और उसी के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो ये मैंने सारी स्ट्रॉबेरी जो है वो मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर ली। उसी के साथ मैंने इसमें ऐड कर दी 1/4 कप चीनी, और बस हमें चीनी और स्ट्रॉबेरीज को अच्छे से पीस लेना है, एकदम महीन पीस लेना है हमें। देखिए ये अब इसे थोड़े से लिक्विड स्टेट में चली गई। अब ये पीसने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 4 क्यूब्स बर्फ़ की। अब बर्फ़ के बाद इसमें पड़ेगा दूध। तो दोस्तों दूध से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मिक्सर जार में आप जो पहले से ही पड़ी हुई वाइट चीज़ देख रहे हैं वो वैनिला आइसक्रीम है। दोस्तों मैंने इसमें पहले ही 2 स्कूप वैनिला आइसक्रीम ऐड कर दी थी। शूट करते समय मुझसे कैमरा गलती से ऑफ रह गया था, इसलिए वो वीडियो में नहीं दिखा, तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। इसमें मैंने 2 स्कूप वैनिला आइसक्रीम और फिर ये 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा दूध इसमें ऐड किया है, और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्सर में घुमा लेंगे। तो देखा दोस्तों ये बहुत ही झटपट हमारा स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक जो है वो बनके तैयार हो चुका है। बस अब हमें इसकी सर्विंग करनी है। तो सर्विंग की जो टेक्निक है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कैफ़े वाले करते हैं सेम उसी टेक्निक से हम भी हमारा स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक सर्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है ये स्ट्रॉबेरी क्रश, जो हम ग्लास के इर्द गिर्द ऐसे लगा लेंगे। ये स्ट्रॉबेरी क्रश मैंने मैप्रो कंपनी का इस्तेमाल किया है, आप जो चाहे उस कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। तो उसमें हम ऐड कर देंगे हमारा मिल्कशेक, और 1/2 मिल्कशेक का ग्लास भरने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई स्ट्रॉबेरीज, और फिर हम बचा हुआ मिल्कशेक वापस से इसमें भर देंगे। बाहर भी ऐसे ही सर्व करते हैं दोस्तों, आपने जब मिल्कशेक पिया होगा बाहर तो आपने देखा होगा कि बीच बीच में कटी हुए स्ट्रॉबेरीज के टुकड़े आते हैं, तो वो ऐसे ही सर्व करते हैं। और सबसे ऊपर हम डाल देंगे हमारी व्हिपिंग क्रीम, जो केक बनाते समय हम व्हिप क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, ये वही क्रीम है। बस हमें इसे ऐसे सॉफ्टी की तरह इसके ऊपर डाल के सर्व करना है, और इस व्हिप क्रीम के ऊपर मैं डाल दूंगा सबसे आखिर में वापस से स्ट्रॉबेरी क्रश। तो देखा दोस्तों कितने आसानी से और कितने झटपट सेम बाजार में मिलने वाला, कैफेज में मिलने वाला स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक घर में बन के तैयार हो चुका है। तो इस गर्मियों के मौसम में आप भी घर में ज़रूर इस स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक को बनाइए। कैसा बना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और उसी के साथ मेरे कुमार्स किचन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।